अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पेज 6 पे आए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट खर्चा, अगर हम कर रहे हैं खर्चा तो पहले तो उस खर्चे की बात कर लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो रहा है वो दो तरह के हैं। एक वो है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंक्रीमेंटल है, यानी वो खर्चे ही तब होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा। जैसे मिसाल कोई हमारे सेल्स एजेंट की कमीशन, एक ये खर्चा है। दूसरा खर्चा वो है, क्या हुआ, ठंड लग रही? अच्छा, दूसरा खर्चा ये है कि वो खर्चा होना ही होना था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले चाहे ना मिले। वो खर्चा जो होना ही होना था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले चाहे ना मिले, उसकी क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए? एक्सपेंस बन जाना चाहिए। उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो तो बनेगा एक्सपेंस। लेकिन वो खर्चा जो कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंक्रीमेंटल है, वो मिल जाएगा किसके साथ? वो खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने के लिए होने हैं। जैसे अगर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्चे आने, यानी वो खर्चे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए होने, इनको एक्सपेंस कब बनना चाहिए? जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू बने, यानी अगर एट अ पॉइंट इन टाइम, तो फिर जब रेवेन्यू बनेगा तभी ये सारा का सारा एक्सपेंस बनेगा, और अगर रेवेन्यू ओवर द पीरियड बन रहा है तो ये भी ओवर द पीरियड बनेगा। और ओवर द पीरियड किस पैटर्न से बनेगा? स्ट्रेट लाइन पे, किसे मर्जी। जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू बन रहा है, अगर जैसे यहां पर मैंने किया था रेवेन्यू पे ये परसेंटेज लगाई है ना, तो कॉस्ट पे भी परसेंटेज ही लगेगी। यहां पर तो मैंने नहीं लगाई परसेंटेज, एक्चुअली मैंने परसेंटेज ही लगाई है, क्योंकि निकाली ही इससे परसेंटेज थी, तो इस पर दोबारा परसेंटेज नहीं लगाई। वरना अगर परसेंटेज किसी और तरीके से लगाई हो, निकाली होती, तो ईयर वन में परसेंटेज आ रही है 15%, क्या करते हैं 9 लाख पे 15% लगाते हैं और 620 पे 15% लगाते हैं। तो जिस पैटर्न से रेवेन्यू रेवेन्यू बनेगा, उसी पैटर्न से वो कॉस्ट जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हैं, वो भी उसी पैटर्न से एक्सपेंस बनेंगे। और इससे पहले जो मिसाल दी थी, वो खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जरूरी हैं, इंक्रीमेंटल हैं, वो भी इन्हीं के साथ मिल जाएंगे आके। तीन खर्चे बताए मैंने, तीनों रिपीट कर रहा हूं। वो खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हैं, उनकी क्या काउंटिंग होगी? वो इनके साथ मिलेंगे आके। इनके साथ, किनके साथ? जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। और ये दोनों कैसे एक्सपेंस बनेंगे? जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू बनेगा। और तीसरा खर्चा वो बताया जिसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने ना करने से कोई ताल्लुक नहीं, उसका क्या होगा? वो फॉरेन एक्सपेंस बनेगा। इन तीन खर्चों को करते हुए हमें कोई और आईएस वाला खर्चा भी करना पड़ सकता है। जैसे इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हो सकता है हमें एक क्रेन खरीदनी पड़े, और उस क्रेन को इस बिल्डिंग के अलावा हम और भी कामों में इस्तेमाल करें। तो अब वो क्रेन बजाय खरीदी तो इस बिल्डिंग के लिए है, लेकिन वो क्रेन हमारा पीपीई होगा, I-16। फिर वो I-16 में जाएगा, उसकी डेप्रिसिएशन यहां आएगी। इसी तरह अगर हमने कोई और चीज खरीदी है इस काम के लिए, लेकिन वो
आईएस 38 में फॉल कर जाती है, तो फिर उसको आईएस 38 में ले जाएंगे। तो जो खर्चा इस पूरे कॉन्टेंट से रिलेटेड हो रहा है वो हो गए चार। एक वो खर्चा जो कॉन्टेंट हासिल करने के लिए जरूरी है, और दूसरा वो खर्चा जो इस कॉन्टेंट को पूरा करने के लिए है। इन दोनों को मिलाएंगे और ओवर द पीरियड, बल्कि नहीं ओवर द पीरियड नहीं कहता, वैसे एक्सपेंस बनाएंगे जैसे रेवेन्यू रेवेन्यू बन रहा है। तीसरा खर्चा जो कॉन्टेंट हासिल करने के लिए नहीं था लेकिन हुआ शुरू में ही, और कॉन्टेंट मिलता या ना मिलता उसने एक्सपेंस बनना था, वो एक्सपेंस बनेगा। और चौथा मैंने बताया है कि कोई ऐसा खर्चा जो किसी और आईएस में फॉल कर जाएगा, तो फिर वो उस आईएस में जाएगा। और इसको काउंट करते हुए, यानी वो खर्चा जो इस काम को पूरा करने के लिए है, वही खर्चे लेने हैं जो वाकई इस काम को पूरा करने के लिए। यानी अगर एक बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, और वो एक साथ चार पांच प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो जो उस बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो उन चारों पांचों पे एलोकेट कर दें? नहीं, नहीं करने, क्योंकि वो चार पांच कॉन्ट्रैक्ट ना भी होते तो वो तो होने थे, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे नहीं डाल देने उनके ऊपर। ये ऐसा ही है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देते हैं, नहीं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है तो सिर्फ वो खर्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनने हैं जो उसी पे हो रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं डाल देने। पेज सिक्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सारा पढ़ लें, पेज सिक्स पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सारा पढ़ लें। जी जी, नहीं, डेप्रिशिएट प्रोग्रेस के हिसाब से नहीं करेंगे, डेप्रिशिएट उस एसेट के हिसाब से करेंगे। यानी उस क्रेन का अपना इस्तेमाल अगर चार पांच छह प्रोजेक्ट्स में है या नहीं भी है, तो उसका इस्तेमाल होना तो प्रोजेक्ट्स में ही है ना, तो हमने उस क्रेन की डेप्रिशिएशन के बारे में जो भी मेथड सोचा हुआ है वो उसी मेथड से ही होगा। लेकिन वो सारा जो डेप्रिशिएशन होगी ना, वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा बननी शुरू हो जाएगी, और उसको एक्सपेंस कैसे बनाना है वो रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे। इसके मैं ना पास पेपर की प्रैक्टिस जब कराऊंगा ना, आल्दो के वो सवाल कंस्ट्रक्शन वाले ज्यादा डिटेल होंगे क्योंकि वो आईएस 11 होते थे, लेकिन फिर भी करना तो है, तो ये वहां भी कवर हो जाएगी बात। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सारी पढ़ लें पेज नंबर सिक्स पे, जो उसके नीचे पॉइंट वन लिखा है वो भी पढ़ लें, और जो अगले पेज के टॉप पे पॉइंट टू चला गया है वो भी पढ़ लें। यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सारा पढ़ लें प्रेजेंटेशन से पहले पहले तक। ये इंपेयरमेंट वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा शायद, हाँ जी, ये इंपेयरमेंट वाली बात छोड़ दें, उसके अलावा बाकी ओके डन। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स 36 और 37 जल्दी से पढ़ दें, स्लो स्लो नहीं पढ़ना, 36 और 37 पढ़ दें।
हाँ जी पढ़ लिया। अच्छा ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये आईएफ में वर्ड यूज किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नाम का एक एसेट बनाना है। ये एग्जांपल 37 में भी उसका जिक्र है, 36 में भी जिक्र है। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एसेट बनाना है जिसको हमने एक्सपेंस बनाना है ओवर द पीरियड, या जैसे भी रेवेन्यू से मैच करते हुए। मैं फिर बोल रहा हूं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के नाम से एक एसेट बनाना है। इसके अलावा भी दो एसेट्स और हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के तौर पे वो एसेट बनाना है जो अभी खर्च हो गया है लेकिन उसको एक्सपेंस बनना बाकी है। आप इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक वर्क इन प्रोसेस, नहीं इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस है, तो जिस पे खर्चा जो हो रहा है वो एक्सपेंस बनता जाएगा, या वर्क इन प्रोसेस एसेट होता है, एसेट होता है ना, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का वर्ड यूज हुआ है इसको आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोसेस कह सकते हैं। एक ये एसेट है, इसके अलावा दो एसेट और हैं। अब तक नॉर्मली जितनी बचपन से लेके अकाउंटिंग पढ़ी है, अगर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और पैसे नहीं मिले तो डेबिट क्या होता है? रिसीवेबल होता है ना। ये आज तक जो पढ़ा था ना, ये IFRS 15 के मुताबिक अब सही नहीं है। IFRS 15 के मुताबिक क्या है, हम रिसीवेबल का नाम रिसीवेबल हम तब यूज करेंगे अगर हमारा पैसे रिसीव करने का हक बन चुका है। दोबारा सुने, वर्ड रिसीवेबल तब इस्तेमाल होगा जब हमारा पैसे रिसीव करने का हक बन चुका हुआ है ऑफिशियली लीगली, तो वर्ड रिसीवेबल आएगा। लेकिन अगर हमने अभी रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर लिया, अच्छा अगर ओवर टाइम है, ओवर टाइम तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है किस बेस पे? प्रोग्रेस की बेस पे ना। हमने ईयर वन में कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया? कितना? जरूरी नहीं है कि लीगली हमारा हक बन गया 1,74,193। ये तो आईएस ने कहा है ना कि रेवेन्यू बना लो, लीगली हक वो तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि जब पहली इनवॉइस आप जनरेट करेंगे वो करेंगे आप, फर्ज कर लें ये जनवरी दिसंबर है, वो आप करेंगे 31 जनवरी ईयर टू, उससे पहले आप पैसे नहीं लेंगे। यानी कॉन्ट्रेक्चुअली हमारा पैसे लेने का जो हक है वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 31 जनवरी ईयर टू को ही ले सकता है, उससे पहले नहीं आपको पैसे मिलेंगे। तो हमने इस ईयर वन के एंड पे रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर लेना है ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन पैसे लेना अभी हमारा हक नहीं बना। तो जब तक हक नहीं बना हम वर्ड रिसीवेबल यूज नहीं कर सकते, उसकी बजाय हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। दोबारा सुने, ये जितने खर्चे हो रहे हैं जिनको अभी फिलहाल एक्सपेंस नहीं बनाना, एक्सपेंस बनाना है रेवेन्यू के पैटर्न पे, तो उन खर्चों को एसेट कहना पड़ेगा ना, किस नाम से? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मैंने कहा था आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस कह लें, ये अलहदा एसेट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन कॉस्ट को जो इनकर हो चुकी है लेकिन अभी एक्सपेंस नहीं बनी, लाइक इन्वेंट्री टाइप। अभी मैंने एक और वर्ड बोला है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये क्या है? जो अभी रिसीवेबल नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे रिसीवेबल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हमने कर देनी थी, कर दी हैं, लेकिन वर्ड रिसीवेबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। वर्ड रिसीवेबल तब इस्तेमाल होगा जब हमारा कानूनी हक बन जाएगा पैसे लेने का। प्रेजेंटेशन में पहले दो पढ़ लें, आखिरी पेज पे प्रेजेंटेशन की हेडिंग है, इसमें पहले दो पढ़ लें, रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ये पढ़ लें।
रिसीवेबल में जो लिखा हुआ है ना कि अ राइट टू कंसिडरेशन इज अनकंडीशनल ओनली इफ ओनली द पैसेज ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आप लोग काम करें, हमारा कंसल्टेंट आएगा, वो आपका काम शाम सब देखेगा, फिर आप 31 जनवरी को ही इनवॉइस रेस कर सकते हैं। 31 जनवरी से पहले बेइज्जती ना कराना इनवॉइस रेस करके, 31 जनवरी को ही हक है आपका कि आप इनवॉइस रेस कर दें। कंसल्टेंट ओके करेगा, आप इनवॉइस रेस कर दें। अब इनवॉइस रेस कर दी, लेकिन इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है कि पैसे 30 दिन बाद मिलने, तो पैसे हम 31 जनवरी को ले सकते हैं? मैं मिसाल दोबारा बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप ईयर वन तो गुजारे ना, ईयर टू के 31 जनवरी को इनवॉइस रेस करनी है, वो भी हमारे कंसल्टेंट जब ओके करेगा, आप कर दें इनवॉइस रेस। लेकिन उसके ऊपर डेट आप 31 जनवरी बेशक उसके ऊपर डेट बेशक 31 जनवरी लिखी है, लेकिन पैसे आपको 30 डेज क्रेडिट पे ही मिलने, उससे पहले नहीं मिलने। तो 31 जनवरी को रिसीवेबल बन जाएगा या नहीं? पैसे तो 30 दिन बाद मिलने, रिसीवेबल बन गया। अब पैसे मिलने में सिर्फ वक्त की दूरी है, कोई हमारा काम जिम्मे नहीं रह गया, सिर्फ वक्त है जो गुजरना है और पैसे मिल जाने, कुछ पेंडिंग नहीं है। ये लिखा हुआ है सेंटेंस में कि रिसीवेबल वो है जब हमारा रिसीव करने का राइट बन गया है, और बेशक सिर्फ टाइम है तभी तो रिसीवेबल है, बस सिर्फ टाइम गुजरना बाकी है। ऐसा नहीं है कि आप 31 जनवरी को इनवॉइस रेस करें, हमारा कंसल्टेंट आएगा, वो आपके काम को रिव्यू करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा इसमें 15-20 दिन और लगेंगे, फिर कहीं जाके हम आपकी पेमेंट अप्रूव करेंगे, ये मतलब नहीं है इसका। यानी सब कुछ हो चुका हुआ है, सारा अप्रूवल हो चुका है, बस अब सिर्फ 30 दिन गिन गिन के इंतजार करना है, तब हम कहेंगे कि हमारा अनकंडीशनल राइट टू रिसीव है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। ओके कि नहीं? अच्छा, अब ये जो वर्ड रिसीवेबल है, ये तो चलो लीगल रिसीवेबल है, ये तो IFRS 9 में जाके बुक होगा, ये एक फाइनेंशियल एसेट है। जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है वो भी बहरहाल एक अनऑफिशियल रिसीवेबल तो है ना, अनऑफिशियल सही लेकिन रिसीवेबल तो है, तो उस पर भी नॉर्मली जैसे एम्बेजमेंट टेस्टिंग होती है इसकी भी होगी, ये दोनों में बात लिखी हुई। अब वो जो पॉइंट पिछला छुड़वाया था वो बताता हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस नाम का एसेट बनाया है, वो कौन सा एसेट बनाया है? वो जो कॉस्ट थी और वो भी PNL में नहीं गई, वो भी तो एक एसेट ही है ना, उसकी भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। हमने उनको एसेट क्यों बनाया हुआ? क्योंकि अभी वो PNL को चार्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके हिस्से का भी काम नहीं हुआ, उनके हिस्से का भी काम होना है, काम होगा तो हमारा पैसे रहने का हक बनेगा, तो उनको भी इसलिए एसेट बनाया ना कि उनके हिस्से का काम अभी होना है, तो उनकी रिकवरेबल अमाउंट होगी उनके हिस्से का जो भी काम होना है माइनस जो और खर्चा करना, ये उनकी रिकवरेबल अमाउंट है, और इसके हिसाब से पता चलेगा कि वो इंपेयर है कि नहीं। ये प्रेजेंटेशन से ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ जो मैंने कहा था अभी, आप छोड़ दें चाहे, लिखा हुआ पुराने में देखें, देखो ऐसे लिखा पॉइंट टू, ठीक। लास्ट चीज, अच्छा ये लास्ट से मुराद है ये IFRS 15 की लास्ट चीज है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं IFRS 15 के एप्लीकेशन गाइडेंस में लिखे हुए हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर भी सवाल है, तो अब वो मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ाने लगा हूं। पहले लास्ट वाली चीज देख लें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो नाम से लग रहा है वही है कि अगर हमारा कुछ पे करने की जिम्मेदारी है, और ना सिर्फ ये कि पे करने की जिम्मेदारी है, हमें कुछ मिल गया है, नहीं ऐसे नहीं कहता, हमें 1 जनवरी को कैश मिल गया 2000, कैश मिल गया, लेकिन हमने जो इसके बदले गुड सर्विस देनी है वो महीने बाद देनी है, तो क्रेडिट क्या करूं? कैश मिल गया लेकिन अभी सर्विस रेंडर करनी है, गुड डिलीवर करनी है, अनर्ड है ना, एडवांस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। दूसरी मिसाल, कस्टमर ने कहा कि काम तो चलें चलता रहेगा,
लेकिन सिर्फ इस खुशी में कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 5% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पक्का। रिसीवेबल आप पहली ही तारीख को इनवॉइस रेज कर दें, कंफर्म मिलेगा आपको। बस 15 दिन का टाइम दे दें वो प्रोसेसिंग का, वो आपको मिलना ही मिलना है। तो 1 जनवरी को ही हमने इनवॉइस रेज कर दी और एक रिसीवेबल बना लिया, लेकिन अभी तो टके का काम नहीं किया हमने, कैश मिल गया, काम नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अलग मिसाल। दूसरी मिसाल, कैश नहीं मिला लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअली 1 जनवरी को हम इनवॉइस रेज कर सकते हैं, वो हमें मिलने ही मिलने हैं पैसे, हमारे किसी काम पे डिपेंडेंट नहीं है। वो पैसे मिल गए नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअली मिलने हैं, करो इनवॉइस रेज, कर दी, रिसीवेबल बन गया, लेकिन अभी तो टके का काम नहीं किया। तो क्रेडिट, फिर वही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, यानी डेबिट चाहे कैश हो गया हो चाहे रिसीवेबल हो गया हो, लेकिन अभी हमने कुछ काम नहीं किया तो हमारे सर पे जिम्मेदारी बनी है ना, तो वो जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में लिखा हुआ। ये वाली मिसाल तो सादा सी है, सादे अल्फाज में ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, ये तो सादे से अल्फाज में एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, इसमें इश्यू नहीं है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, ये एक मजेदार चीज है, यानी ना पैसे मिले हैं ना हमने काम किया लेकिन रिसीवेबल बना लिया। क्यों रिसीवेबल बना लिया? क्योंकि हमारा राइट बन गया। अब डेबिट तो कर ही दिया है, क्रेडिट करने को कुछ है ही नहीं, हमारे जिम्मे है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। क्या देखें, ये तो जाहिर सी बात है, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन कस्टमर ने कुछ पैसे कहे हैं कि वो आपके किसी काम पे डिपेंडेंट नहीं है, आप वो पैसे रखें, एडवांस कह लें, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एडवांस होता है। कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि आप 1 जनवरी को इनवॉइस रेज कर देना। हाँ, हमारे प्रोसेसिंग टाइम में, क्योंकि देखें जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो सारा काम अकाउंटेंट कर रहा होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट का रूम कहीं अंदर जाके, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, परचेज वाले वो ट्रांजेक्शन करेंगे, कागज लेंगे, वो कागज अकाउंट्स में भिजवाएंगे, अकाउंट्स वाले उस कागज को देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से मैच करेंगे, नखरे करेंगे, उसके बाद पैसे देंगे, जबानी जबानी वो पैसे नहीं देंगे। तो कस्टमर ने हमसे कहा है कि आपका हक बन चुका है, आपको 1 जनवरी को पैसे मिल जाने थे, लेकिन हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स बहुत अजीब से हैं, कागज आप दें, हम उसको अपने डिपार्टमेंट्स में से घुमाएंगे, फलाना साइन करेगा, फलाना साइन करेगा, फलाना साइन करेगा, फलाना साइन करेगा, फिर वो कैश वालों तक पहुंचेगा, फिर चेक 4 लोग साइन करेंगे, फिर आप तक पैसे आते आते 15 दिन लग जाने, लेकिन आप कागज देंगे तो ये काम शुरू होगा, इनवॉइस देंगे तो काम शुरू होगा। तो इनवॉइस देते ही आपके पैसे बन चुके हैं, आपकी किस्मत में लिखे गए पैसे, हम जिम्मेदार हैं पैसे देने के लिए, लेकिन 15 दिन लगेंगे इस काम में, तब जाके रिसीवेबल बनाएंगे हम। तो ये बात बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे होता है, कस्टमर कहेगा पहले इनवॉइस दें फिर हम आपका काम प्रोसेस करवाएंगे, इसके बगैर नहीं होता। ईयर वन में 1,20,000 खर्च हुआ, लेकिन ड्यू टू इनपुट आउटपुट मेथड एक्सपेंस सिर्फ 70,000 बन सका। खर्चा 1,20,000 हो गया लेकिन एक्सपेंस सिर्फ 70 बना है, तो बाकी 50 वर्क इन प्रोग्रेस, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 50,000, जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट WIP कहा था, सही है।
रेवेन्यू हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन लीगली हम इसमें से सिर्फ लाख रुपए ही ले सकते हैं, बाकी हम अभी क्लेम नहीं कर सकते। कुछ है मसाइल, रिसीवेबल कितना, 1 लाख, रेवेन्यू कितना क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया 1.74, डेबिट सिर्फ 1 लाख करके छोड़ दें, बाकी 74 डेबिट करना है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, क्या परेशानी है? इफ एन एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड, इफ एन एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड गुड्स और सर्विसेज बिफोर कस्टमर पेज कंसिडरेशन, यानी कैश आ जाए, और बिफोर द पेमेंट इज ड्यू, या तो कैश डेबिट हो, नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं मिले, या पेमेंट ड्यू हो जाए लीगली कॉन्ट्रेक्चुअली ताकि रिसीवेबल बन जाए, वो भी नहीं कर सकते, तो कुछ तो डेबिट करना है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सेल्स क्रेडिट 1.74, 193, अगर सारा कैश मिल गया होता तो कैश डेबिट, कैश ना मिला होता, इनवॉइस जनरेट हुई होती, अप्रूव्ड इनवॉइस, तो रिसीवेबल डेबिट, ना कैश मिला ना रिसीवेबल डेबिट कर सकते हैं, तो कुछ तो डेबिट करना है ना, खाली तो बुरी लगेगी एंट्री, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। इफ एन एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड गुड और सर्विस, तभी तो रेवेन्यू बनाया है, बिफोर द कस्टमर पेज, यानी कैश भी नहीं मिला, ये क्रेडिट हो गया लेकिन कैश भी नहीं मिला और रिसीवेबल भी नहीं बना, इट शैल प्रेजेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट। प्रेजेंटेशन डन, चलें जल्दी। हैं जी, अरे रेंट तो IFRS 16 है ना यार, अच्छा वैसे तो ये IFRS 16 है, अच्छा चलो रेंट है, ठीक है। ठीक है, कस्टमर मान गया है पैसे देने हैं, और पैसे लेने के लिए अब हमारी कोई परफॉर्मेंस शर्त नहीं है, देखो कस्टमर हमें बगैर किसी वजह के तो पैसे नहीं देगा ना, कस्टमर ने कहा कि देना मैंने आपको रेंट एडवांस में था, लेकिन आपको तब पैसे मिलेंगे जब आप घर की चाबी देंगे, उससे पहले नहीं आपको पैसे मिलेंगे, देना मैंने आपको था 1 जनवरी को बिल्कुल, लेकिन चाबी दोगे तो पैसे मिलेंगे, 1 जनवरी को हमने घर की चाबी नहीं दी, 1 जनवरी को पैसे देना हक बन गया हमारा नहीं, क्योंकि हमारे चाबी देने पे डिपेंडेंट है ना, तो हम अगर उसको चाबी दे देते हैं, हैंडओवर कर देते हैं, तो पैसे लेना हक बन गया, इसका मतलब पूरा महीना घर इस्तेमाल कर लिया उसने, तो वो तो करना ही है, और अगर हम कहें चल निकल यार तुमने पैसे दे दिए बस दे दिए, तो फिर तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो फिर ये ऐसा हक नहीं है कि हम अपना काम छोड़ छाड़ के चले जाएं और वो कहे अच्छा यार चलो ठीक है तुम्हें मैंने पैसे दे दिए, डेफिनेटली वो पैसे काम के ही दे रहा है, लेकिन जब वो पैसे दे रहा है तो फिर एक अप्रूव इनवॉइस हो चुकी है, और अब मजीद हमें कोई ऐसा काम करना नहीं है कि वो करेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो रिसीवेबल बनेगा, अगर वो काम हमारे किसी, अगर वो पैसा हमारे किसी काम पे डिपेंडेंट हो जो अभी करना है, फिर रिसीवेबल नहीं बनेगा। अच्छा आप ना एक मिसाल पढ़ लें, फिर देखना है, मुझे लगता है आपका सवाल बाकी नहीं रहेगा, वहीं दम तोड़ जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 38 पढ़ लें, थर्टी नाइन भी पढ़ लें, 40 दफा करें, 40 हो जाएगी बाद में कभी, 40 पहले हो चुकी हुई है, 40 पे टाइम ना लगाना, 38 और 39 पढ़ लें, 40 बस थिंक डन।
हाँ जी ओके। हाँ मसला हल हुआ कि नहीं? पढ़ोगे तो होना था। अच्छा अब आ जाइए आप उन पेजेस पे जो मैंने एग्जाम्पल्स 44 ऑनवर्ड्स दी हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स 44 ऑनवर्ड्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एप्लीकेशन गाइडेंस में लिखे हुए हैं और उनके ऊपर फिर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हैं। इनमें जो थोड़ी थोड़ी सी गाइडेंस है वो मैंने साथ ही हेडिंग के लिखी है, उसके बाद फिर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वारंटी। वारंटी में दो ही बातें मेनली, आईएस 37 प्रोविजन। इसमें अगर हमने वारंटी दी होती है तो उस वारंटी की हम प्रोविजन बनाते हैं। वारंटी मतलब हमने चीजें बेची हैं और ये वादा किया है कि अगर इनमें कोई मसला हुआ तो हम ठीक करके देंगे, ये वारंटी है। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट की वजह से है, और अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि क्लेम आने, तो फिर हम कहते हैं कि आउटफ्लो प्रॉबेबल है और उसका एक एस्टीमेट लगा के हम उसकी प्रोविजन बना लेते हैं। पता नहीं आप अब ये होता है या नहीं और आपको इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। मैं एक दफा मोबाइल लेने गया था तो उस शॉप वाले ने कहा कि अगर आपने इसके साथ रिपेयर वारंटी की सर्विस भी लेनी है साल की तो आपको 1,000-1,500 और देने पड़ेंगे। ये होता है बाद उकात। तो एक तो है कि हमने मोबाइल खरीदा और जो मैन्युफैक्चरर था उसने इसकी वारंटी साथ ही दी है, 6 महीने की वारंटी है। एक होता है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो दो तरह से बेच रहा है, वो कह रहा है अगर आपने प्रोडक्ट खाली खरीदना है तो ये प्रोडक्ट है, अगर आपको साल की वारंटी भी चाहिए तो इसके एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो अब ये वारंटी वो सेपरेटली बेच रहा है। अगर प्रोडक्ट की वारंटी सेपरेटली बेची खरीदी जाती है तो ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि इसके भी पैसे होते हैं। तो फिर ये IFRS 15 में अकाउंट फॉर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये IAS 37 में अकाउंट फॉर होगा। वारंटी के हेडिंग के साथ ही थोड़ी बहुत अंग्रेजियां लिखी हुई हैं, जहां वारंटी की हेडिंग है उसके नीचे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में अभी नहीं पढ़े, मैं बता रहा हूं। इस टेबल में एक सेंटेंस है जो जो आईएस की एक वर्डिंग है, वारंटी नॉर्मली क्यों दी जाती है कस्टमर को? नॉर्मली देखें, अगर कोई मैन्युफैक्चरर वारंटी दे रहा है तो वो अपने उस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट है तो दे रहा है ना। वो वारंटी किस बात की दे रहा है? कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये सही है, यकीन करें सही है। अब वो अगर कसमें खा लेता तो कोई ना मानता। तो उन्होंने क्या किया कि ये कह दिया कि अगर कुछ मसला हुआ तो हम रिपेयर करके देंगे आप, हम जब कह रहे हैं सही है तो सही है। तो वो वारंटी दी जा रही है ये अश्योर करने के लिए कि जो प्रोडक्ट हम आपको बेच रहे हैं वो उसी तरह वर्क करेगा जैसे आपने जिस नियत से खरीदा है। ये होती है वारंटी। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि आप सही बातें कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि वारंटी की कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी अगर मोबाइल पानी में डाल दें, दीवार पे मार दें खींच के, तो वारंटी क्लेम हो जाएगी? नहीं। धागा बांधने घसीटते हुए लेके बच्चे की तरह चलाएं, क्लेम हो जाएगी वारंटी? नहीं होगी। लेकिन अगर कस्टमर कहे कि जी मैंने ना यूज करना है मोबाइल, लेकिन वो दो चार हाथों में होगा, फिर ड्राइवर को भी देना है, फिर फलाने को भी देना है, इस पे खराबियां ज्यादा आएंगी, आप थोड़े पैसे और ले लें और मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दें। अब ये नॉर्मल वारंटी से हट गई बात। नॉर्मल वारंटी किस लिए दी जा रही थी? कि जो हमने कहा है ये वैसे ही परफॉर्म करेगा, और नॉर्मल सबको वारंटी दी जा रही थी। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कवर चाहिए पैसे और लगेंगे। तो अगर वारंटी इसलिए है जो सबको मिलती है कि प्रोडक्ट वैसा ही है जैसे आप कह रहे हैं, तो ये तो फिर वारंटी है। ये IFRS, खैर भूल गया, हाँ ये IAS 37 में आएगी।
लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा है, इस सादी वारंटी से एक्स्ट्रा है, तो फिर यकीनन कस्टमर को इसके पैसे चार्ज किए जाएंगे, तो फिर ये एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और IFRS 15 में आएगा। अब ये पढ़ लें सारा जो वारंटी में लिखा हुआ। वारंटी की हेडिंग में मैंने डब्बा बनाया हुआ है, एग्जाम्पल 44 से ऊपर ऊपर ये पढ़ लें। हाँ जी पढ़ लें तो पढ़ लें, पढ़ लिया। एग्जाम्पल 41 हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ये देख लीजिएगा हो जाएगी, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट ये पढ़ लें बस, मैं खत्म करते हैं। है ये बहुत सारा, ये अलग बात है, लेकिन बस सिर्फ ये पढ़ लें फिर खत्म करते हैं। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट ट्रांजेक्शंस कंसिडरेशंस, इसमें एग्जाम्पल्स तो हैं बहुत सारी जो आप पढ़ेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सुन लें। एक एसीज का डिस्ट्रीब्यूटर, लेट्स से ग्री, वो ग्री के कहने पे ही सामान अपने पास रखता है, और अगर ग्री कहे कि जी बस यहां से ऐसा करो वहां भेज दो, वहां से भिजवा भी देता है, और ग्री जो प्राइस डिसाइड कर ले उसी पे बेचता है। अगर एसी पड़े पड़े खराब हो जाए तो वो ग्री वालों को वापस भिजवा देता है। प्राइस कितनी रखनी है ये ग्री वाले डिसाइड करेंगे। तो ये उन एसी का मालिक है नहीं, ये सिर्फ एजेंट है, और इसको इस एजेंसी की यकीनन कोई ना कोई फीस मिल रही होगी। अगर वो एसी बेच रहा है लेट से 70,000 का, तो वो 70,000 उसका रेवेन्यू होना चाहिए, क्यों नहीं? एसी का वो मालिक ही नहीं है, वो तो ग्री का एजेंट है, लेकिन वो इस पे यकीनन अपने चार्जेस लेगा। और करेगा क्या कि कोई तय हुआ होगा लेट से 5,000, तो वो क्या करेगा कि जब कस्टमर से 70,000 आएगा तो ग्री वालों को 65 भिजवा देगा। तो इस एजेंट ने बजाहिर तो सेल की है 70,000 की, लेकिन इसका रेवेन्यू कितना हुआ? 5,000 के 70,000, 5,000। मिसाल बदले, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वैसे ही बस आबिद रोड से एसी खरीद लाता है और खरीद के लाके इधर कैवलरी ग्राउंड में उसने अपना एक स्टोर बना लिया। अगर कैवलरी ग्राउंड बेसमेंट में पानी आ गया और वो सारे एसी गए तो गए, तो फिर वो दुकानदार उन एसी का मालिक है या ग्री कंपनी मालिक है? वो दुकानदार मालिक है, और बेशक ग्री कंपनी की लिस्टेड प्राइस जो भी हो उसका जहां ग्राहक पे जैसा दाव चलेगा उतने का बेचेगा। तो वो एसी का मालिक है कि ग्री वाले मालिक है? वो मालिक है। ग्री वाले उसको कह सकते हैं ये एसी उठाओ और वहां वहां भिजवा दो? नहीं। तो अब जब ये मालिक है तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? जितने का एसी बेचेगा। हां हो सकता है इसने आगे अपने सेल एजेंट रखे हो, अब ये कितने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा? पूरा। तो क्यों? क्योंकि अब ये प्रिंसिपल है, तो जो प्रिंसिपल है वो मेन रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है, ग्रॉस कह लें जिसको। लेकिन जो एजेंट है वो अपनी सिर्फ वो फीस रिकॉर्ड करता है जो उसकी अपनी बनती है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें आप ये जो शुरू में डब्बा बनाया ये पढ़ लें, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन में। एग्जाम्पल 45 से ऊपर ऊपर तक
ये जो amazon.com है ये एजेंट होगा या प्रिंसिपल होगा? अच्छा OLX है? ये सिर्फ जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। अब उन अरेंजमेंट्स में इन्होंने सिर्फ कस्टमर और सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट करवाना है बस, और बीच में अपनी कमीशन लेनी है। तो ये एजेंट्स हैं। इसी तरह से अक्सर अक्सर ट्रेवल एजेंट्स होते हैं। लेकिन अगर ट्रेवल एजेंट वो है जो क्या चाहे नाम उसने अपना ट्रेवल एजेंट रखा हो लेकिन टिकट ना बिकी तो उसकी, तो फिर वो एजेंट है। अगर उसने एयरलाइन से टिकटें खरीदी और आगे कस्टमर को बेच रहा है, असल जो एजेंट होता है ना वो एयरलाइन को वापस कर देता होता है, तो वो एजेंट है। लेकिन अगर किसी ने वैसे ही अपने ऊपर लिखा ट्रेवल एजेंसी, तो सिर्फ लिखने से एजेंसी वो एजेंट नहीं बन जाएगा। देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसका रिस्क है या नहीं। अगर वो उस प्रोडक्ट का मालिक है तो फिर वो प्रिंसिपल है। अगर वो किसी के बिहाफ पे प्रोडक्ट आगे पहुंचा रहा है तो फिर वो एजेंट। इसके हवाले से ये एग्जांपल्स सारी पढ़ के समझ आनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि पढ़ेंगे तो समझ आएंगे। तो पढ़ेंगे या पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे। चलें कल फिर ये पढ़ के आइएगा। कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि IAS खत्म हो जाए। अब इसमें आगे एक तो ये जितनी एग्जाम्पल है ना ये भी समझें एग्जाम प्रैक्टिस ही है, ये प्रैक्टिस ही थी। और अभी इसमें रह गई हैं एग्जाम्पल। अच्छा ये एग्जाम्पल तो आपने पढ़ के आनी है अगली हेडिंग से ऊपर पर सारी। ये बनती है 48A तक, 45 से लेके 48A तक, ये सारी प्रिंसिपल एजेंट की एग्जाम्पल है। लास्ट टाइम ये टेस्ट हुआ 8 नंबर का, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट की ये एग्जाम्पल 45 से 48A तक हैं, ये पढ़ के आइएगा। उसके बाद जो पोर्शन रह गए हैं वो कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ख़त्म हो जाए। और आपसे फिर के सवाल की भी पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा आज क्या तारीख हो गई है? 22। कल ये खत्म होगा। अभी आपके जो मेन टॉपिक्स रहते हैं ना वो IAS 33 और IAS 12, ये ग्रिड के बी के हैं। और उसके बाद आखिरी ग्रिड है जो बस ऐसे ऐसे लपेटना है, ऐसे है, हाँ हैजिंग का एक टॉपिक रहता है और फिर आखिरी ग्रिड लपेटना है। तो पहला वीक तो लगे ही लगे नवंबर का, ऑब्वियसली नवंबर का पहला वीक लग ही जाएगा। अच्छा एंड पे मैं सेशन के एंड पे कुछ जनरल डिस्कशन रखूंगा जो नसीहतों के हवाले से, लेकिन अभी एक बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी कुछ पोर्शन बाकी है। ये मैं आपको जो नोट्स बना के दे रहा हूँ ना ये बड़ी मेहनत के बाद बनाए, ये मैंने सारे IAS क्वेश्चन निचोड़ के बनाए हुए हैं। मैं ये नहीं कर सकता था कि इसमें 7 पैराग्राफ भी लिखता, क्योंकि मैंने हो सकता है 4 को मिला के एक नोट बनाया हो, मेरे लिए मुनासिब पॉसिबल नहीं था। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ें और आप इस सारे को IAS में ढूंढें तो आपको मेहनत से ढूंढना तो पड़ेगा। अगर आप IAS साथ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अलाउड है लेके चाहे फायदा हो जाता है, फायदा हो सकता है, अगर आप IAS साथ लेके जाना चाहते हैं तो आई एडवाइज कि ये जितने आपको नोट्स दिए हैं इनको तो जरूर याद करिए। याद करने पड़ेंगे, नोट्स नहीं ले जाने अलाउड, ये आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन ओरिजिनल IAS को भी एक बार नजर से गुजार लें ताकि आपको पता हो कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर IAS साथ लेके जाने हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप पेपर IAS में डालें, हिलाएं और आंसर निकल आएगा। आपको खुद ही पेपर में ढूंढना पड़ेगा अगर IAS की जरूरत पड़ी तो। एक दफा ओरिजिनल IAS पढ़ जरूर लेना। एक बड़ी कमाल हदीस खुल गई सामने। आपके बचपन में वालदेन इस बात को प्रेफर करते थे कि गंदे मंदे बच्चों में उठे बैठे हैं या अच्छे अच्छे बच्चों में, अच्छे अच्छे बच्चों में।
रीजन। सोबत का असर पड़ेगा ना, तो अगर आप के जो दोस्त हैं गंदे मंदे होंगे तो फिर आप भी गंदे मंदे हो जाएंगे। लेकिन आप ये भी तो आर्ग्यू कर सकते थे कि मैं चूंकि अच्छा हूं तो वो भी तो मुझे देख के अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आपकी इस लॉजिक को वालिदैन ने मानना था, नहीं चपेट पड़नी थी आगे से। अल्लाह के नबी फरमा रहे सल्लल्लाहु आदमी अपने, औरत भी तो कहने को आदमी है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। बस तुम में से हर एक ये जरूर देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। हमारे यहां ना, बल्कि सारी दुनिया में दोस्त उसको समझा जाता है जिसके साथ अच्छा वक्त गुजर सके और खास तौर पे वो गुनाहों में साथ हो, खास तौर पे गुनाहों में साथ हो। क्योंकि ये जो वो काम होते हैं ना फजूल किस्म के, जो दोस्त उनमें साथ होता है ना वही जिगर होता है, वो दोस्त नहीं है। असली दोस्त वो होता है जो आपको इस बात से रोके, असली दोस्त वो है जो आपकी आखिरत की फिक्र करे। जो आपकी दुनिया की सिर्फ फिक्र कर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। वो असल में शैतान का सपोर्टर है जो अपने गुनाहों में आपको भी साथ खींचना चाह रहा है, और वो ये चाह रहा है कि दोजख में अकेला क्या करे, बोर होगा, वो आपको भी साथ लेके जाए। तो वो दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्त के दीन पर आदमी होता है। तो इसलिए तुम में से हर एक ये जरूर देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। कल मुलाकात इंशाल्लाह।